नाज़रीन, आप दूसरे आसन बताना चाहता हूँ जिससे आपकी तमरकुज़ फिक्र, शुगर, ब्लड प्रेशर तो नहीं, ब्लड प्रेशर के लिए तो जो है ना, जो आसान आसन से उसमें आप वो कर ले, लेकिन शुगर और हेपेटाइटिस, डिप्रेशन, ये इस तरह बीमारियों से निजात हासिल होते हैं। थकावट, काहली, सुस्ती और कुव्वत फैसला जब नहीं होती है, ये जो आसन करा रहा हूँ कुव्वत फैसला को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इरादे को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके कारकर्दगी में रोज़मर्रा के इजाफा हो जाएंगे। यह आसन करते हुए आपको थकावट महसूस नहीं होंगे और काम करने का मज़ा आते हैं आपको, तो यह आसन लाजमी कर दिया गया, क्योंकि आजकल मशीनी मसनूई दुनिया है, हर इंसान इतना बिजी है तो वो जो है ना हर काम में वो बेचैनी महसूस करता है, तो बेचैनी से निजात हासिल करने के लिए ये कर ले, और टेंशन डिप्रेशन से निजात हासिल, वही बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता टेंशन डिप्रेशन हो जाते हैं, तो वो फिर क्रोनिक डिप्रेशन हो जाता है, और फिर आप कहते हैं कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी कहाँ, कभी हकीम के पास, कभी पीर के पास, इधर उधर घूमते फिरते ना, तो फिर सारी ज़िंदगी गुजर जाते हैं और बीमारी का इलाज नहीं होती है। तो ये जो है ना, ये आपके कंसंट्रेशन पावर को भी बहुत इंक्रीज़ करता है, और कुदरती खूबसूरती का तो बेहतरीन आसन, बहुत बेहतरीन। उसी तरह पाँव को दोनों एकजा करके और हाथों को यहाँ पर नीचा रखें, ये देखें यहाँ पर इस तरह के नीचा रखें हाथों को, और गहरा सांस ले, थोड़ी देर सांस को मरकूज रखें, सांस को होल्ड रखें और अपने तवज्जो को पेशाने पे मरकूज रखें, यानी थर्ड आई पे। यह थर्ड आई को यानी सिक्स सेंस, आपकी छठी हेस और तीसरी आंख जिसे कहते हैं इंक्रीज करता है, और तीसरी आंख को एक्टिवेट करते हैं। सांस छोड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ऊपर ले, आहिस्ता आहिस्ता यू, और फिर यू यू ये ले, थोड़ी देर यहाँ पर रखें, मरकूज रखें। अब अपने तवज्जो को फिर पेशाने पर मरकूज रखें, और पेशाने का महसूस करेंगे, और सांस को रोकना है, इस हालत में थोड़ी देर रहे और फिर पांव को सीधा कर दे, पांव को यो सीधा कर दे, थोड़ा सीधा, जितना हो सके अपने टांगों को सीधे रखे। फिर भी आपके तवज्जो आपके अपने चेहरे पे, और चेहरे की खूबसूरती, और थर्ड आहिस्ता 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 पाँव के पीछे ले जाए, आहिस्ता आहिस्ता टांगों को आहिस्ता आहिस्ता बहुत आहिस्ता स्लोली बहुत आहिस्ता आहिस्ता
बहुत ऐसा ऐसा यहाँ पर रखें और हाथों को यहाँ पर रखें। तो जो अपने मरकूज रखे अपने तवज्जो को सड़ाई पे मरकूज रखे। लेकिन अगर आपने ये आसन पहले नहीं किए तो इतना देर तक नहीं करने आपने, क्योंकि मैं भी आपके गर्दन में प्रॉब्लम है। और फिर इसी आसन को ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, हाथों के पीछे ले जा सकते हैं और टांगों को सीधा कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टांगों को नीचे ले आएंगे और नीचे ले आएंगे और नीचे ले आएंगे और लेंस लगाने की कोशिश। और फिर आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता आहिस्ता टांगों को खोल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता टांगों को खोल दो और हाथों को हाथों से पांव को पकड़ थोड़े दूर रखें और फोकस करें अपने थर्ड आई पे और इस आसन की खूबियों और फिर वापस यू कर लें और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को पीछे लें थोड़ा सा सीधा कर लें और वापस बोलने को यहाँ कर लें और यू आस्ता आस्ता यू जाते हुए थोड़ी देर सामने देखे और पूरे होके अपने तवज्जो को करते हुए नीचे ले और रिलैक्स करें। तसव्वुर करें अपने तवज्जो को तमाम के तमाम अपने बॉडी पे मरकूज रखें, रिलैक्स हो जाए, बहुत रिलैक्स हो। इस आसन के बाद वैसे भी
सुकून महसूस होते हैं। और इस रिलैक्सेशन का आपको पता है कि कितने खूबियां हैं और कितने पावर मौजूद है इसमें। तो ये एक बेहतरीन आसन, इस आसन के बाद ये आसन करें जितना हो सके। हाथ पीछे ले जाए या हाथ को यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, ये हाथ यहाँ पर रखे या यहाँ पर भी आप रख सकते। तो मज़ा भी बहुत आता है इस आसन के बाद। इस आसन को करने से ये पाँव को सीधा कर दो और पाँव को आहिस्ता फोकस करके ना पाँव को ऊपर उठाएंगे देखते हुए यू, और फिर देखते हुए नीचे, जिससे आपके आई भी आई उसकी प्रॉब्लम भी ठीक होती है और तमरकुज़ फिक्र यानी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है और ये यहाँ के फैट्स को भी और यहाँ के फैट्स को भी कम कर देते हैं। और आपके बैलेंस जो है और कुव्वत इरादे में इजाफे कर देते हैं। फिर आप दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे आसन्स जो कि मैंने आज आपको इस प्रोग्राम में बताए, और अगले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह और ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हो सकता है आपके इर्द गिर्द या आप में खुदा ना खास्ता, जिस पे हम इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह उसके भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको हल करेंगे। लेकिन आज के जो आसन्स थे जिससे हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल का आप कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे आप मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं, एनजाइटी यानी घबराहट से निजात हासिल होती है इस आसन में। और इस आसन में जो मैंने बताया इसकी खूबियाँ और भी हज़ारों खूबियाँ, जो आपके कई सौ खूबियाँ हैं, जिसमें आपके जिगर जो है, जिगर और आपके स्टमक, आपके गुर्दों को बहुत तरोताज़गी मिलते हैं, जिगर ताज़ा खून बना लेते हैं, हार्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और साथ साथ कुदरती खूबसूरती जो आपको चाहिए, हर इंसान को चाहिए कुदरती खूबसूरती, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को खूबसूरती और खूबसूरती ज़रूरी भी है। प्यार मोहब्बत जो होती है बढ़ती है खूबसूरती से ही बढ़ती है। तो प्यार मोहब्बत पाने के लिए आप अपने आप को खूबसूरत बनाएं, फिट स्मार्ट नज़र आएँ और अपने पावर को बढ़ा दें। और आज की जो फोकस था उस पे था कि ज़्यादातर जो है वो आपके सिक्स सेंस जो है, थर्ड आई जो है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके एक्टिवेशन के लिए, आपकी तीसरे आंग के एक्टिवेशन के लिए बताएं, जो कि आपके तस्वुर को बहुत पुख्ता और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं।